नमस्ते, द फ्रीडम में आपका स्वागत है। मैं सुधीर। क्रांतिकारी अपना जीवन जिए, शहीद हुए, जेल में रहे, काले पानी की सजा मिली, और उसके बाद फिर उनका क्या हुआ, उनके परिजनों का क्या हुआ, कहाँ गए, इसके बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं मिलती। तो हमने कोशिश की है कि क्रांतिकारियों के परिजनों की जानकारी आपके सामने लाएं। और आज हम लोग देखेंगे इस कड़ी में, इस खास श्रृंखला में, शहीदों के परिजन कहाँ हैं, किस हाल में हैं, भगत सिंह के परिजनों के बारे में। भगत सिंह के की फांसी के बाद उनके परिवार वाले कहाँ गए, क्या हुआ उन सब का। भगत सिंह की जब फांसी हुई, उस समय उनके पिताजी जीवित थे, सरदार किशन सिंह, और उनकी माँ विद्यावती। लाहौर में ये लोग रहते थे, दादा रहते थे लायलपुर में। याद रखिए, ये दोनों ही जगह अब है पाकिस्तान में, और वहाँ पर ये लोग फांसी के बाद रह रहे थे, आज़ादी के आंदोलन में भाग ले रहे थे। भगत सिंह से बड़े उनके एक और भाई हुए थे, जगत सिंह। हुए थे इस मायने में कि 11 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई थी, और इस हिसाब से फिर सबसे बड़े भाई हो गए भगत सिंह। भगत सिंह के और भी कुल मिलाकर के जो भगत सिंह सहित जो जीवित बचे वो 8 भाई बहन थे भगत सिंह। भगत सिंह के बाद उनकी बहन थी बीवी अमर कौर। इनकी शादी हुई थी लायलपुर में ही, अब उसे फैसलाबाद कहा जाता है पाकिस्तान में, उसका नाम बदल दिया गया है। मक्खन सिंह के साथ शादी हुई थी बीबी अमर कौर की, जो भगत सिंह की बहन थी। और इसके बाद भगत सिंह की फांसी के समय जो उनके बाद वाले भाई थे कुलबीर सिंह, उनकी उम्र थी 14 साल। उससे छोटे थे कुलतार सिंह, जिनकी उम्र थी 12 साल। इन दोनों भाइयों के बाद बहन थी सुमित्रा, जिनका बाद में ससुराल में नाम परिवर्तित हो गया था, प्रकाश कौर नाम रखा गया था। सुमित्रा की उस समय उम्र भगत सिंह की शहादत के समय, मतलब फांसी के समय, उम्र थी 9 साल। एक और फिर बहन थी शकुंतला, उनकी उम्र थी करीब 7.5 साल। फिर भाई थे रणवीर सिंह, उनकी उम्र थी, और एक जो सबसे छोटे भाई थे राजेंद्र सिंह, करीब 5 साल के होने वाले थे, 5 साल हुआ नहीं था। 1926 ईस्वी में राजेंद्र सिंह का जन्म हुआ था, 6 साल। सबसे छोटे भाई का नाम भगत सिंह ने खुद ही रखा था, राजेंद्र सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी के नाम पर। राजेंद्र लाहिड़ी आप लोग जानते होंगे, काकोरी एक्शन में उन्हें फांसी की सजा मिली थी, उनके नाम पर अपने छोटे भाई का नाम रखा था भगत सिंह ने, राजेंद्र सिंह। तो ये भगत सिंह के भाई बहन और माता पिता हो गए। ये इनका बाद का जीवन लाहौर और लायलपुर में बीत रहा था, जिसे अब फैसलाबाद कहते हैं। महत्वपूर्ण दिन आया इस सिलसिले में 1947 में, जब देश का विभाजन होने लगा और पंजाब दो भागों में बंट गया, आधा पंजाब पाकिस्तान में, आधा पंजाब हिंदुस्तान में, और उसमें लाहौर, फैसलाबाद वगैरह सब चला गया पाकिस्तान में। तो इस स्थिति में इस परिवार को विस्थापित होना पड़ा। इससे पहले ये भी जान लीजिए कि जो सरदार भगत सिंह के दोनों जो ऊपर वाले भाई हैं, मतलब सरदार भगत सिंह के ठीक बाद वाले कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह, उन्हें भी 6-6 साल की सजा हुई थी। उस समय ब्रिटिश सरकार ने उन्हें 6-6 साल की सजा दी थी, और उन पर निगरानी तो लगातार ब्रिटिश सरकार ने भी रखा, और फिर आज़ाद भारत में भी इस परिवार पर निगरानी रखी गई। उसका किस्सा, वो किस्सा बाद में हम लोग जिक्र करेंगे। एक साल की सजा बीवी अमृत कौर को भी मिली थी। 1945 में उन्होंने भाषण दिया था, और उस भाषण को आपत्तिजनक मानते हुए सरकार ने उन्हें भी सजा दी थी, एक साल जेल में उन्हें रखा गया था। तो ये आज़ादी के बाद तक, मतलब आज़ादी तक मोटा मोटी ये बातें हो गई। परिवार जो अब है वो आज़ादी के दरमियान एक बड़ा कांड हुआ, देश विभाजन। तो जुलाई में ही, जुलाई 1947 में, वो पूरा परिवार लाहौर और फैसलाबाद से, लायलपुर से उठ करके आ गया खटकड़ कलां में। खटकड़ कलां पंजाब में, भारत वाले पंजाब में एक जगह है। और खटकड़ कलां क्यों आ गया, क्योंकि ये पुश्तैनी जगह यही थी, यही के रहने वाले थे, माने भगत सिंह के परदादा, दादा वगैरह। फिर दादा चले गए थे लायलपुर में, जिसे फैसलाबाद कहते हैं, ये बताने की बार बार जरूरत नहीं है। लायलपुर में खटकड़ कला से लोग गए थे, और लायलपुर में पूरा परिवार रहने लगा था, खेती बाड़ी वहां होने लगी थी, और बिजनेस के सिलसिले में इनके पिताजी, सरदार भगत सिंह के पिताजी किशन सिंह, चले आए थे लाहौर। तो इस तरह से 3 जगह इन लोगों का। तो लाहौर और फैसलाबाद से फिर से पुनः
वो परिवार अपनी जड़ों के पास लौट आया, मतलब खटखड़ कला में ये पूरा परिवार चला आया जुलाई में ही। लेकिन सारे लोग नहीं आए, खास करके सभी बच्चों को तो लेकर के ये लोग चले आए थे यहाँ, लेकिन बीबी अमर कौर वहीं पर डिटेंशन कैंप जो है, जो आजकल ये बड़ा सीए का जब चल रहा था तो ये नाम बहुत प्रचलित हुआ था, यूँ समझ लीजिए कि एक तरह से उस दरमियान बंटवारे के दरमियान दौरान उस दौरान था ये राहत शिविर जहाँ पर लोग रहते थे। तो बीबी अमर कौर रह गई थी डिटेंशन कैंप में और सितंबर 1947 में वो भारत आई। याद रखिए जब वो वहाँ रह रही थी तो उनके साथ उनका एक बेटा भी साथ में था छोटा सा, और उनके पेट में भी एक बच्चा था, मतलब वो गर्भवती थी उस समय। बीबी अमर कौर के 6 बच्चे कुल हुए, 4 बेटे और 2 बेटियाँ। अमर कौर के बच्चों के नाम थे जोगिंदर सिंह, जस्तार सिंह, जगमोहन सिंह और मनदीप सिंह, ये बेटे थे, और 2 बेटियां थी, उनका नाम था जोगिंदर कौर और नरेंद्र कौर। याद रखिए जोगिंदर एक बेटे का भी नाम है एक बेटी का भी, जोगिंदर सिंह बेटे का नाम है, जोगिंदर कौर बेटी का नाम है, ये बीबी अमर कौर की बात हो रही है। इसमें जगमोहन सिंह का काफी नाम रहा है, उन्होंने काफी कुछ भगत सिंह के संबंध में शोध भी किया इसलिए भी, और इनकी काफी अधिक पढ़ाई लिखाई भी हुई। आईआईटी खड़गपुर से इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, फिर पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे, तो इन वजहों से उनका तो उनकी काफी चर्चा होती ही है। अमर कौर की एक और चर्चा होनी चाहिए जरूर, जिसे भूला नहीं जा सकता। अमर कौर ने 8 अप्रैल 1983 को संसद में पर्चे फेंके थे, उस समय टाडा वगैरह नियम कानून बना था, और उन्हें यह लगता था कि जिन मानवाधिकारों के लिए, जनता को अधिक से अधिक शक्ति देने के लिए शहीद भगत सिंह वगैरह और उनके साथी और इन लोगों ने अपनी शहादत दी, बलिदान दिया, उसके ठीक खिलाफ सरकार कर रही है, जनता के अधिकारों पर चोट कर रही है, तो इसको लेकर के वो संसद में, याद रखिए 8 अप्रैल वो तारीख है जिस दिन संसद में वो पर्चे फेंके गए थे, असेंबली में बम फेंका था भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने, और उसी दिन को चुना बीवी अमर कौर ने भी, और संसद में पर्चे फेंके 1983 की ये बात हो रही है जब अमर कौर ने पर्चे फेंके और कहा कि मेरे भाइयों ने इसलिए इस भारत के लिए अपनी जान नहीं दी थी, इसके लिए शहादत नहीं दी थी, नागरिकों को जिस तरह से परेशान किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, वो बिल्कुल गलत है। इस गुस्से का एक और भी कारण था कि भगत सिंह की एक जो बहन थी सुमित्रा, जिनका नाम बाद में प्रकाश कौर आ गया, प्रकाश कौर की बेटी के देवर की हत्या पुलिस वालों ने कर दी थी पंजाब में, और ये काफ़ी बवाल मचा था और इससे वो काफ़ी गुस्सा भी हुई थी, और फिर वो ये परिवार कनाडा में जा कर के बस गया था। उस समय ये परिवार, प्रकाश कौर की शादी हुई थी राजस्थान में, जिन लोगों, मतलब इनका ससुराल प्रकाश कौर का राजस्थान में था, और इनके बाद के लोग जा कर के बस गए थे कहाँ, कनाडा में। प्रकाश कौर के बड़े बेटे की मौत हो चुकी है, छोटे बेटे की 2 बेटियां हैं जिनमें एक भारत में है और एक कनाडा में ही रहती हैं। बीवी अमर कौर की 2 बातें हैं, एक बात कि 1952 में कांग्रेस ने उन्हें टिकट देना चाहा, टिकट दिया भी था चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन वो चुनाव में खड़ी नहीं हुई थी, और दूसरी बात ये उनके बारे में जानने वाला है, जरूर जान लीजिए कि वो जब वहाँ पर थी पाकिस्तान के शिविर में रह रही थी विभाजन के समय, पूरा परिवार जुलाई में आ गया था लेकिन वो आई थी सितंबर में, उस समय वो वहाँ जब थी गर्भवती थी, और उनके सबसे छोटे बेटे मनदीप सिंह का जन्म हुआ था फिर भारत में आकर के 11 अक्टूबर 1947 को। अब हम लोग फिर से आते हैं कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह पर। कुलवीर सिंह, जैसा कि बताया गया कि सभी लोग आ गए थे खटखड़ कलां, खटखड़ कलां में इन लोगों का पुश्तैनी मकान था, यह भी चर्चा हुई कि भगत सिंह के जो दादा थे अर्जुन सिंह, वो भगत सिंह को बचपन में यहाँ भी लाते थे खटखड़ कलां में, और अब भी उनका उनके परिवार की वहाँ पर जो कुछ भी निशानियाँ वो हैं। तो खटखड़ कलां में कुलवीर सिंह की शादी हुई 1954 में, बहुत अधिक उम्र में। याद रखिए कि इससे पहले कुलवीर सिंह से छोटे थे कुलतार सिंह, कुलतार सिंह कुलवीर सिंह से 2 साल छोटे थे, लेकिन कुलतार सिंह की शादी 1938 में ही हो गई थी, और जबकि कुलवीर सिंह ने शादी की 1954 में। तो इनके 2 बेटे हुए, एक बब्बर सिंह और दूसरे अभय सिंह। तो बब्बर सिंह की मृत्यु हो चुकी है, उनके बेटे हैं, बब्बर सिंह के बेटे हैं यादविंदर सिंह, वो ये लोग पूरा परिवार फरीदाबाद में रह गए,
और दूसरे जो बेटे हैं अभय सिंह, ये अभय सिंह का एक बेटा और एक बेटी की बात आती है। अभितेज बेटे का नाम था। अभितेज की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई 28 मई 2016 को। अभितेज को बहुत सारे लोग भगत सिंह का दूसरा रूप मानते हैं, और जो भी लोग उनसे मिले अभितेज से, वो मानते थे अभितेज में भगत सिंह का अक्स दिखाई देता था, बिल्कुल प्रतिरूप लगता था। बहरहाल ये बहुत ही दिल तोड़ने वाली दुखद खबर है कि 28 मई 2016 को एक सड़क दुर्घटना में अभितेज की मृत्यु हो गई। हालांकि एक उनकी बहन है, मतलब अभय सिंह की एक बेटी है जिनका नाम है अनुस बेनीपाल। तो कुलबीर सिंह खटकड़ कलां से चले आए थे फरीदाबाद, जहां बड़े बेटे के परिवार वाले अब भी रहते हैं फरीदाबाद में। कुलबीर सिंह के बारे में एक और चीज़ भी है कि 1962 में जनसंघ के टिकट पर फिरोजपुर से इन्होंने चुनाव लड़ा था, विधानसभा का चुनाव जीते भी, विधायक भी बने और 5 साल तक विधायक रहे। बाद में वो एमपी का भी चुनाव उन्होंने लड़ा लेकिन वो हार गए। लेकिन ये जो विधायक बने जनसंघ से, इस पर काफ़ी अधिक उंगलियां उठती रही हैं कि भगत सिंह के विचारों के खिलाफ जो संगठन बिल्कुल है, जिस संगठन की विचारधारा भगत सिंह की विचारधारा से ठीक विपरीत है, उस संगठन से उन्होंने क्यों चुनाव लड़ा। इसके अलग कारण हैं जिसको किसी और वीडियो में बताया जाएगा, चूँकि ये वीडियो ऐसे ही काफ़ी लंबा होता जा रहा है। अभी परिवार के बहुत सारे सदस्यों को जानना है तो, लेकिन फिर भी ये याद रखिए कि कुलबीर सिंह विधायक रहे थे जनसंघ से, फिरोजपुर से जीते थे। चुनाव जब हार गए तो फिर वो वापस फरीदाबाद लौट गए थे। तो एक तो बब्बर सिंह जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जो कुलबीर सिंह के बेटे थे, उनका परिवार वहाँ रह रहा है। दूसरे जो उनके बेटे थे हैं अभी अभय सिंह, उनकी पत्नी का नाम है तेजी कौर, मैंने अभय सिंह और तेजी कौर, ये लोग रहते हैं अभी चंडीगढ़ में। एक और जो भगत सिंह के भाई हैं कुलतार सिंह, उनकी शादी पहले ही बात हुई कि 1938 में ही इनकी शादी हो गई थी। इनके 5 बच्चे हुए, वीरेंद्र संधू बेटी, इनका 1940 में ही जन्म हो गया था। इसके बाद इंद्रजीत कौर बेटी, उसके बाद फिर बेटा जोरावर सिंह, एक और बेटा किरणजीत सिंह, और 5वीं जो संतान है वो बेटी है कवलजीत कौर। तो ये परिवार है कुलतार सिंह का। कुलतार सिंह चले आए थे सहारनपुर खटकड़ कलां से, पूरा परिवार, चूंकि सबको अपनी रोजी रोटी की समस्या थी, सब कुछ देखना था, तो अलग अलग वो जगह बदलता गया अपने हिसाब से, कहां पर कैसे सहूलियत है और कहां पर सरवाइव कर पाएंगे, चूंकि बहुत ऐसी कोई मदद नहीं मिली थी जिसे कहा जा सके कि ये परिवार सरवाइव कर सकता था। तो खटकड़ कलां से कुलतार सिंह चले आए थे कहां, सहारनपुर, और अभी इनका जो परिवार है वो सहारनपुर ही में ही रहता है। और एनडी तिवारी के मंत्रिमंडल में उत्तर प्रदेश में ये मिनिस्टर भी बने थे। कौन? कुलतार सिंह, याद रखिएगा। अब भगत सिंह के एक और भाई रणवीर सिंह की बातचीत। रणवीर सिंह के 2 बच्चे हुए। रणवीर सिंह सैद्धांतिक रूप से बहुत मजबूत थे और वो भगत सिंह को अपना आदर्श मानते थे, कोशिश करते थे कि उनके सपनों के हिसाब से अगर कुछ कर नहीं पाए तो अपने जीवन को तो वैसा जिए ही। उन्होंने विधवा से शादी की थी और वो अंतरधार्मिक शादी थी। रणवीर सिंह ने जिस लड़की से शादी की थी, जिस विधवा से शादी की थी, उनका नाम था लीला, वो हिंदू थी। और शादी के बाद फिर जो 2 बच्चे हुए, बेटे का नाम, एक बेटा और एक बेटी, तो बेटे का नाम रखा सुनान। सुनान वो जगह है सिंगापुर में जहां आज़ाद हिंद फौज को विधिवत पहली बार उसके साथ मतलब सम्मेलन किया था सुभाष चंद्र बोस ने। तो उस जगह के नाम पर, उस ऐतिहासिक जगह के नाम पर रणवीर सिंह ने अपने बेटे का नाम रखा सुनान और बेटी का नाम रखा इस्करा। इस्करा क्या था? इस्करा नाम के पीछे भी कहानी है। लेनिन जो अपना अखबार निकालते थे रूस में, जब बोल्शेविक आंदोलन चल रहा था, 1917 की क्रांति चल रही थी, तो उसमें अखबार का नाम था इस्करा और उस अखबार के नाम पर रणवीर सिंह ने अपनी बेटी का नाम रखा इस्करा। एक और जो भाई थे भगत सिंह के, उनका नाम राजेंद्र सिंह था, जो बात हुई शुरू में कि भगत सिंह ने खुद ही नाम रखा था, वो नैनीताल चले गए। नैनीताल में अभी उनके परिजन हैं, उनके 2 बच्चे थे जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनका निधन हो चुका है, लेकिन उनके बच्चे मतलब राजेंद्र सिंह के पोते पोतियाँ वगैरह अभी वहाँ नैनीताल में हैं। ये आप देख रहे थे कि भगत सिंह के परिजनों का क्या हुआ आखिर उनकी फांसी के बाद, और अब वो कहाँ रहते हैं, तो अलग अलग जगह पर हैं। ये
सिर्फ संक्षेप में थोड़ा सा दोहरा दूं कि उनके परिजन विभाजन के समय चले आए थे खटखट कलां जो पंजाब में है, उसके बाद अलग अलग जगह पर फिर गए। कुलबीर सिंह जो हैं वो विधायक भी फिरोजपुर से चुने गए। कुलबीर सिंह का परिवार अब फरीदाबाद में और चंडीगढ़ में रहता है। दूसरी तरफ कुलतार सिंह थे, कुलतार सिंह के परिवार वाले जो हैं मतलब उनके बच्चे या पोते पोतियां वगैरह ये सब ये सहारनपुर में आकर के बस गए। एक और जो भाई थे रणवीर, जिन्होंने काफ़ी जो आदर्शवादी थे, उनके बेटे का नाम सुनान था। सुनान के बारे में एक और चीज़ जान लीजिए कि वो भारतीय सेना में मेजर जनरल से सेवानिवृत्त हुए थे और श्रीलंका में राजीव गांधी के समय में जो यहाँ से शांति सैनिक भेजे गए थे उसमें ये भी शामिल थे और उन्हें वहाँ पर वीर चक्र मिला था। रणवीर सिंह की एक और भी खासियत थी कि वो किस तरह से धर्मनिरपेक्षता वगैरह को का पालन करते थे और किस तरह से दृढ़ थे, अलग तरह के वो इंसान थे कि उन्होंने अपने दोनों बच्चों को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ाया था। और फिर जो सबसे छोटे वाले भाई हैं वो लोग नैनीताल में रह रहे हैं। रणवीर सिंह के जो बेटे थे जो सेना में हुए थे सुनान, वो दिल्ली में सेटल हो गए हैं और जो बेटी इस्करा हैं वो अमेरिका में रहती हैं। तो इस तरह से ये पूरा परिवार भगत सिंह के परिवार के बारे में ये खास वीडियो। अगर और भी कोई सवाल है तो आप पूछिए, जो जो भी जानने लायक जानकारी थी मोटे तौर पर वो सब हमने कोशिश की है कि ये जानकारी आप तक पहुंचे। इस वीडियो को खत्म होने से पहले एक आग्रह आप लोगों से कि आप लोगों की हमें मदद चाहिए। हमारी मदद आप लोग दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो कि ये जो हमारा अभियान है कि अधिक से अधिक लोगों तक क्रांतिकारियों के बारे में जानकारी पहुंचाई जाए, तो आप अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो शेयर कीजिए। बहुत सारे सैकड़ों वीडियो हैं इस चैनल पर जिन्हें आप देखिए, इस तरह की रुचि रखने वाले लोगों के पास पहुँचाइए, लोगों को प्रेरित कीजिए कि वो इन क्रांतिकारियों को जाने। दूसरा ये कि हमें अपना शोध कार्य जारी रखने के लिए आपसे आर्थिक मदद की ज़रूरत है। आपके स्क्रीन पर जो एक बैंक खाते का डिटेल आ रहा है, अगर आप सक्षम हैं तो हमारी मदद कीजिए आर्थिक रूप से, और ताकि हम अपना शोध जारी रख सकें और तेज कर सकें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए द फ्रीडम को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।